फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास किंग में। आज मैं आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, जिसमें से 30 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC, SSC, CGL, MP पुलिस, UP पुलिस या फिर कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन है, अभी हाल ही में आयोजित किए गए एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। देखो, ऑप्शन में है भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, है ना। अभी हाल ही में आयोजित किए गए एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भजनलाल शर्मा को निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री पर चुना गया। देखो, ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। जो राजस्थान में चुने गए हैं उन्हें भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री में के रूप में चुने गए हैं। MP में है डॉक्टर मोहन यादव जी और राजस्थान में है भजनलाल शर्मा और छत्तीसगढ़ में है विष्णुदेव साई। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदित्य L1 को कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है। देखो, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए है ना PSLV C-57। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदित्य L1 को कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है? देखो, ए एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ए 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स है। ठीक है, आप इस वीडियो को थोड़े सीरियस में लेकर पढ़ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयवर्मा सिन्हा, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, जयवर्मा सिन्हा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसने पुरुष वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियन 2023 का खिताब जीता है? देखो, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला UPI ATM निम्न में से किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? देखो, UPI का उपयोग तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन इसमें पूछा है भारत का पहला UPI ATM निम्न में से किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? देखो, ऑप्शन में मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली और चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेना, ये कॉन्स्टेबल के एग्जाम में तो 100% आना है। ऑप्शन में 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 7 सितंबर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? देखो, ऑप्शन में मानक सिंह, पेमा खांडू, तमिलीसाई सुंदर राजन और गुलाब चंद कटारिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलीसाई सुंदर राजन, वर्तमान के राज्यपाल, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, तमिलीसाई सुंदर राजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का गठन किया गया है? निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का गठन किया गया है? देखो, ऑप्शन में है वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, मनमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, रामनाथ कोविंद, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे? नोवाक जोकोविच, क्योंकि सबसे ज्यादा 2023 में इन्हीं व्यक्ति ने खिताब जीते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मोहन यादव को निम्न में से किस राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया है। अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद ही चुना गया है। किसका चुना गया है, मध्य प्रदेश का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, लाडली बहन योजना किस राज्य में शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं कि लाडली बहन योजना किसने शुरू की थी, तो ये योजना शिवराज सिंह जी ने शुरू की थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता। क्या बोला है इसमें, ऐसी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा भारत, भारत ने जीता, ठीक है। एसी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब निम्न में से किसने जीता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंडर 20 चैंपियनशिप में लगातार विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बन गई। देखो ऑप्शन में अंतिम पंगाल, प्रिया मलिक, सविता और साक्षी मिश्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम पंगाल, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार किस सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार में किसे सम्मिलित किया गया है। देखो ये तो हम सभी को पता है कि रतन टाटा को सम्मिलित किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस देश में लॉन्च किया जाएगा। दुनिया का पहला 3D रॉकेट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, इंडिया, अपना इंडिया। दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस देश में लॉन्च किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, भारत, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला देश, है ना, पहला देश ही बन गया। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया, पहला देश। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रयान मिशन 3 कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान मिशन 3 कब लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, NCERT के किस कक्षा के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया गया है। देखो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कक्षा 7 क्लास में, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस शहर ने देश की बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार जीता। देखो ये तो बहुत दिनों से जीतता आ रहा है और इस बार भी इसी ने जीता। कौन सा शहर है, वो शहर है इंदौर, इंदौर ने जीता, ठीक है। ये तो आपको 100% पता होना चाहिए, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ल्ड अर्चारी चैंपियनशिप 2023 में भारत में कौन सा पदक जीता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 23 को भी देख लेते हैं, मेरा गांव मेरी धरोहर नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमित शाह, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमित शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लखपति दीदी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। लखपति दीदी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। और लाडली बहना योजना किसने शुरू किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। लखपति दीदी योजना आए तो क्या लगाओगे, उत्तराखंड, और लाडली बहना योजना किस सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो देखो ऑप्शन में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, निम्न में से कौन 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रयान 3 मिशन की परियोजना निदेशक कौन है? देखो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या पी वीर मतुवेल। क्वेश्चन नंबर 29 है, दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पंडित दीनदयाल अत्योदय भवन, पंडित दीनदयाल अत्योदय भवन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया? ये भी 2030 में ही खोला गया था। निम्न में से किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया? देखो ऑप्शन में हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।